तो फाइनली दोस्तों शैतान मूवी को आज सिनेमाघरों में रिलीज हुए 15 दिन हो चुके हैं और यह मूवी 15 दिनों में कौन कौन सी मूवी के रिकॉर्ड को तोड़ चुकी है इसी के बारे में जानने वाले हैं और यह मूवी कौन कौन से रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है और यह मूवी टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कितने का कर चुकी है। साथ ही साथ यह भी जानने वाले हैं यह मूवी इंडिया से कितने का कलेक्शन कर चुकी है। वैसे दोस्तों अगर आप भी बॉक्स ऑफिस से जुड़ी अपडेट जानना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको बॉक्स ऑफिस से जुड़ी अपडेट मिलती रहे। तो चलिए आपको बताते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी के पहले दिन के इंडियन नेट कलेक्शन के बारे में कि आखिर इस मूवी ने पहले दिन कितने का इंडियन नेट कलेक्शन किया था, वहीं अपने दूसरे दिन कितने का इंडियन नेट कलेक्शन किया था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस मूवी ने पहले दिन लगभग 14,35,00,000 रुपये का कलेक्शन करती हुई नजर आई थी, वहीं यह मूवी अपने दूसरे दिन लगभग 15,75,00,000 रुपए का इंडियन नेट कलेक्शन करती हुई नजर आ रही थी। अब वही बात कर लेते हैं इस मूवी के पहले वीकेंड के कलेक्शन के बारे में कि आखिर इस मूवी ने अपने पहले वीकेंड में कितने का कलेक्शन किया था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह मूवी अपने पहले वीकेंड में लगभग 80,75,00,000 रुपए का कलेक्शन करती हुई नजर आई थी। वहीं अब बात कर लेते हैं इस मूवी के 8वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, आखिर यह मूवी अपने 8वें दिन कितने का इंडियन नेट कलेक्शन कर रही थी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह मूवी अपने 8वें दिन लगभग 5,05,00,000 रुपए का ही कलेक्शन कर रही थी। अब वहीं बात कर लेते हैं इस मूवी के 9वें दिन के इंडियन नेट कलेक्शन के बारे में कि आखिर यह मूवी अपने 9वें दिन कितने का इंडियन नेट कलेक्शन कर रही थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह मूवी अपने 8वें दिन के मुकाबले अपने 9वें दिन बहुत ही अच्छा कलेक्शन करते हुए नजर आ रही थी और यह मूवी अपने 9वें दिन लगभग 8,50,00,000 रुपए का कलेक्शन करते हुए नजर आ रही थी। अब वहीं बात कर लेते हैं इस मूवी के 10वें दिन के इंडियन नेट कलेक्शन के बारे में कि आखिर इस मूवी अपने 10वें दिन कितने का कलेक्शन कर चुकी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह मूवी अपने 9वें दिन के मुकाबले अपने 10वें दिन भी बहुत ही अच्छा कलेक्शन करती हुई नजर आ रही है। यह मूवी अपने 10वें दिन लगभग 9,75,00,000 रुपए का कलेक्शन करती हुई नजर आ रही थी। वहीं यह मूवी अपने 11वें दिन लगभग 3 करोड़ रुपए, वहीं अपने 12वें दिन लगभग 3 करोड़ रुपए कलेक्शन करती हुई नजर आ रही थी। वहीं अब बात करें तो इस मूवी के 13वें दिन के इंडियन नेट कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों यह मूवी अपने 13वें दिन लगभग 2,75,00,000 रुपए का कलेक्शन करती हुई नजर आ रही थी। अब वहीं बात कर लेते हैं इस मूवी के 14वें दिन के इंडियन नेट कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों यह मूवी 14वें दिन लगभग 2,15,00,000 रुपए का कलेक्शन करती हुई नजर आ रही थी। वैसे में इस मूवी के दूसरे वीकेंड का टोटल कलेक्शन 34,55,00,000 रुपए हो चुका था। अब वहीं बात कर लेते हैं इस मूवी के 15वें दिन के इंडियन नेट कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों यह मूवी अपने 15वें दिन लगभग 1,45,00,000 रुपए का कलेक्शन करती हुई नजर आ रही थी। वैसे में इस मूवी का टोटल इंडियन नेट कलेक्शन 115,75,00,000 हो चुका है। अब वही बात कर लेते हैं इस मूवी के टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में कि आखिर इस मूवी ने टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कितने का कर लिया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस मूवी का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 160 से 165 करोड़ हो चुका है। वहीं आपको बता दूं कि यह मूवी ओवरसीज यानी कि विदेशों से लगभग 40 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर चुकी है। वैसे दोस्तों आपने शैतान मूवी देखी या फिर नहीं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।